हरदोई जिले में मनरेगा व निर्माण कार्य इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है खुलेआम भ्रष्टाचार। कमीशनबाजी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। हालात इस कदर वस से बदतर हो गए हैं कि सत्ता के विधायक ने ही अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और कमीशन खाने के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, विधायक का नाम लेकर भी भ्रष्ट अधिकारी वसूली कर रहे हैं कमीशन और कर अपनी जेबें भर रहे हैं और अपनी अचूक संपत्ति बना रहे हैं। दरअसल सवायशपुर विधानसभा से भाजपा के विधायक माघवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने हरपाल ब्लॉक के अफसर अभियंता आरईएस दीपक राजपूत व अपर कार्यक्रम अधिकारी अतुल कुमार राय पर बड़े पैमाने ग्राम प्रधान व सचिवों से अवैध वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी अविनाश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने दोनों अफसरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। जिला अधिकारी को भेजे गए अलग अलग पत्र में आरोप लगाया गया है कि विकास खंड में तैनात अपर कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा अतुल कुमार राय ने मनरेगा से ब्लॉक बनाए गए। सचिवालय से ज्यादातर टेंडर अपने पिता व सगे संबंधियों के नाम जारी करने के अलावा मनरेगा योजना में 10-12% कमीशन की वसूली करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अकूत संपत्ति अर्जित की है। वही अवर अभियंता आरईएस दीपक राजपूत पर आरोप लगाया गया है कि भरखनी व हरपालपुर में तैनाती के दौरान ग्राम प्रधानों व सचिवों से शासन द्वारा कराई गई प्राकलन समिति की जांच में कार्रवाई से बचाने के लिए विधायक के नाम से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई है, जिससे विधानसभा क्षेत्र में उनकी काफी छपी धूमिल हुई है। जिला अधिकारी ने CDO आकांक्षा राणा को पूरे प्रकरण की जांच की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।